सोलन सदर सीट से ससुर और दामाद एक बार फिर आमने सामने हैं। शुक्रवार को कांग्रेस के प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडे ने डीसी कार्यालय सोलन में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। माता शूलिनी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कर्नल शांडिल ने अपने समर्थकों समेत शहर के मॉल रोड पर रैली निकाली। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर धनीराम शांडिल ने अपना नामांकन पत्र तीसरी बार सोलन सदर सीट से दाखिल किया। धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। शांडिल ने कहा कि कांग्रेस ने हर वर्ग की आवाज बनने का प्रयास किया है। संत के इस उत्सव में आज जो नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई उसमें हम आप सबने देखा, हम आंसू लेने के दरबार में गए थे। हेलो माँ शिवनी के दरबार में पूजा अर्चना करने के बाद और अपनी प्रार्थना अर्पण करने के बाद हम सभी लोग जितने कार्यकर्ता सभी जोशो फ्रोश से हमारे रैंक एंड फाइल हमारे सभी पुराने नेता हमारे जो चुने हुए नेता अभी के जैसे हमारे शहर की मेयर साहिबा हमारे कौंसिलसी अध्यक्ष सभी लोग जितने भी यहाँ के प्रबुद्ध जनता वो सब और हमारे सभी कार्यकर्ता बड़े जोश और जोश से यहाँ पे आए। मैं उनका जहाँ अभिवादन करना चाहता हूँ वहीं दूर पाना चाहता हूँ। हमारे देश में बहुत मजबूत है लोकतंत्र, इतना मजबूत है कि संविधान की रक्षा ये लोकतंत्र ही करता है। आपने देखा कि हमारे कितनी ज़बरदस्त प्रोसेस होती है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं है। इसलिए महिलाओं का जो सम्मान निधि हम हर महिला को देना चाहते हैं उनके उसके अनुसार, और इसी प्रकार हमारे जो बेरोजगार 680 का हमारे स्टार्टअप फंड है, हमारी हमारे यहाँ के बागवान किसान और कृषक हैं उनके लिए एक नीति, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक पक्की नीति, यहाँ के जो हमारे दूसरे मसले हैं यहाँ से कुछ यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हैं, युवाओं का कैसा भविष्य हो, इस प्रकार का हम शीघ्र ही अपना एक मैनिफेस्टो जाहिर है लोगों को करेंगे। यहाँ सोलन सदर सीट से ससुर और दामाद एक बार फिर आमने सामने हैं। शुक्रवार को कांग्रेस के प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडे ने डीसी कार्यालय सोलन में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। माता शूलिनी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कर्नल शांडिल ने अपने समर्थकों समेत शहर के मॉल रोड पर रैली निकाली। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर धनीराम शांडिल ने अपना नामांकन पत्र तीसरी बार सोलन सदर सीट से दाखिल किया। धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। शांडिल ने कहा कि कांग्रेस ने हर वर्ग की आवाज बनने का प्रयास किया है। संत के इस उत्सव में आज जो नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई उसमें हम आप सबने देखा, हम आंसू लेने के दरबार में गए थे। हेलो माँ शिवनी के दरबार में पूजा अर्चना करने के बाद और अपनी प्रार्थना अर्पण करने के बाद हम सभी लोग जितने कार्यकर्ता सभी जोशो फ्रोश से हमारे रैंक एंड फाइल हमारे सभी पुराने नेता हमारे जो चुने हुए नेता अभी के जैसे हमारे शहर की मेयर साहिबा हमारे कौंसिलसी अध्यक्ष सभी लोग जितने भी यहाँ के प्रबुद्ध जनता वो सब और हमारे सभी कार्यकर्ता बड़े जोश और जोश से यहाँ पे आए। मैं उनका जहाँ अभिवादन करना चाहता हूँ वहीं दूर पाना चाहता हूँ। हमारे देश में बहुत मजबूत है लोकतंत्र, इतना मजबूत है कि संविधान की रक्षा ये लोकतंत्र ही करता है। आपने देखा कि हमारे कितनी ज़बरदस्त प्रोसेस होती है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं है। इसलिए महिलाओं का जो सम्मान निधि हम हर महिला को देना चाहते हैं उनके उसके अनुसार, और इसी प्रकार हमारे जो बेरोजगार 680 का हमारे स्टार्टअप फंड है, हमारी हमारे यहाँ के बागवान किसान और कृषक हैं उनके लिए एक नीति, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक पक्की नीति, यहाँ के जो हमारे दूसरे मसले हैं यहाँ से कुछ यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हैं, युवाओं का कैसा भविष्य हो, इस प्रकार का हम शीघ्र ही अपना एक मैनिफेस्टो जाहिर है लोगों को करेंगे।